दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे मोर मोरनी के बारे में। क्या मोर और मोरनी संबंध बनाते हैं? मोरनी गर्भवती कैसे होती है? इन्हीं सब सवालों पर आज हम बात करेंगे। लेकिन आज हम ये बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल पिछले दिनों राजस्थान हाई कोर्ट के एक जज ने इस पर टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था कि मोर के आंसुओं से मोरनी गर्भवती होती है, मोर संबंध नहीं बनाते हैं। और शायद यही वजह है कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया था। जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने गूगल पर सर्च किया और पिछले दिनों गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया और सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया तो वो यही था कि मोरनी गर्भवती कैसे होती है। उसी सवाल का जवाब आज हम आपके लिए ढूंढ के लेकर आए हैं। विज्ञान आखिर इस पर क्या कहता है, साइंटिस्ट क्या कहते हैं, आइए देखते हैं ये वीडियो। मोर और मोरनी के संबंध जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्यों बनाया गया। साल 1960 में राष्ट्रीय पक्षी के चुनाव के लिए बैठक हुई। इस बैठक में मोर के साथ साथ सारस और हंस के नाम पर भी चर्चा की गई। बैठक में तय हुआ कि कोई ऐसा पक्षी हो जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा हो। मोर के बारे में मशहूर है कि मोर सबसे पहले भारत में ही पाए जाते थे। 23 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। अब सवाल ये है कि मोरनी गर्भवती कैसे होती है, तो सब जानना चाहते हैं। क्या मोर मोरनी संबंध नहीं बनाते? क्या मोर के आंसू पीने से मोरनी गर्भवती होती है? दरअसल विज्ञान इस अवधारणा को पूरी तरीके से नकारता है। विज्ञान कहता है कि मोर और मोरनी संबंध बनाते हैं। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से दूसरे पक्षी संबंध बनाते हैं। मोरनी मोर के रंग बिरंगे पंखों से आकर्षित होती है। इसके बाद मोरनी की सहमति से मोर उसके साथ संबंध बनाता है। मोरनी एक बार में 3 से 5 अंडे देती है। अंडों का रंग सफेद और पीला होता है। अब सवाल ये है कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में मोर कैसे पहुँचे। ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर मोरों को लेकर यूनान गया, जिसके बाद मोर पूरी दुनिया में पहुँचे। मोर ऐसा पक्षी है जो सांप, छिपकली और कीड़े खा सकता है। ये सर्वहारा है। भारत में मोर के शिकार पर बैन है। भारतीय वन जीवन अधिनियम 1972 के तहत ये प्रतिबंधित है। दोस्तों तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मोर की जानकारी के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।